नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 अध्याय 9 इसमें हम आज प्रमेय 9.2 पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रमेय के अनुसार एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। बच्चों देखिए, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच में एक आधार हमने BC लेना है और BC से दो त्रिभुज बने हैं BAC और BPC, जो कि इस आधार और इस समांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज हैं BAC और BPC। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल त्रिभुज BPC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम ये जो AB रेखाखंड है त्रिभुज ABC में, इसके समांतर यहां एक रेखाखंड खींचेंगे इस प्रकार से, ताकि हमें एक समांतर चतुर्भुज ABC और इसका नाम ले देते हैं हम D, तो हमें एक समांतर चतुर्भुज ABCD मिल जाए। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार बच्चों दूसरा त्रिभुज है BPC, इसका आधार तो BC ही है, तो इस BP रेखा के समांतर हम यहां पर एक और रेखाखंड बनाते हैं। देखिए ये इसके समांतर यहां पर एक और रेखाखंड बनाते हैं, जो कि ये जो हमारी ऊपर वाली रेखा है इसे आगे बढ़ाने पर इसे यहां बिंदु, मान लो इस बिंदु का नाम है R, R पर मिलता है। तो इससे देखिए हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज PBCR यह प्राप्त हो जाएगा। आइए बच्चों अब हम अपने हल को करके देखते हैं, इसे सिद्ध करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच में अब हमें दो समांतर चतुर्भुज प्राप्त हुए हैं ए बी सी डी और पी बी सी आर। तो बच्चों प्रमेय 9.1 में हमने पढ़ा था दो समांतर रेखाओं के बीच में और एक ही आधार पर यदि दो समांतर चतुर्भुज बनते हों तो उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। यही बात अब हम यहां पर लिखते हैं। प्रमेय 9.1 के अनुसार, प्रमेय 9.1 क्या है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित दो समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। इसका मतलब एरिया ऑफ पहला समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी यह बराबर होगा एरिया ऑफ दूसरा समांतर चतुर्भुज जो कि है पी बी सी आर। पी बी सी आर ये हमने प्रमेय 9.1 के अनुसार सिद्ध किया है। अब बच्चों ध्यान से आप समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी देखिए, अभी इसको भूल जाइए पी बिंदु को, ए बी सी डी इसमें ए सी क्या है विकर्ण है, और हमने पढ़ा है एक विकर्ण जो है वह समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो हम लिखते हैं विकर्ण एसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है।
विभाजित करता है। यानी कि कौन से त्रिभुज होंगे वो, ये एसी विकर्ण है, एक इसके इस तरफ त्रिभुज एबीसी और एक इसके उस तरफ त्रिभुज एडीसी। यानी त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज एडीसी के। और यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है और यह होगा हाफ ऑफ एबीसीडी के, सॉरी इसको हम अगली लाइन में लिख लेते हैं। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनका क्षेत्रफल भी बराबर होता है, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी। और यह किसके बराबर है, एबीसी किसके बराबर है और एडीसी किसके बराबर है, यह पूरे सर्वांग समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के एरिया के आधे के बराबर होगा। एबीसीडी यह पूरे समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के आधे के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर वन। बच्चों इसी प्रकार अब यदि हम यह वाला समांतर चतुर्भुज लें PBCR, तो इसमें PC क्या है, PC इसका एक विकर्ण है और यह विकर्ण भी इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटेगा। तो वहां से हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज PBC, यह बराबर होगा दूसरा त्रिभुज PRC, एरिया ऑफ PRC, और यह बराबर होगा यह जो पूरा समांतर चतुर्भुज है PBCR, इसके आधे के बराबर होगा। इसे हम मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर टू। और बच्चों शुरू में हमने ये जो इक्वेशन लिया था, सॉरी इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर वन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन टू और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर तीन। तो बच्चों ध्यान से देखेगा, त्रिभुज पीबीसी किसके बराबर है, पीबीसीआर के आधे के बराबर, ठीक है। और पीबीसीआर किसके बराबर है, एबीसीडी के बराबर। तो हाफ ऑफ पीबीसीआर का मतलब हाफ ऑफ एबीसीडी, और हाफ ऑफ एबीसीडी किसके बराबर है, बच्चों यहां हाफ भी था, हाफ ऑफ एबीसीडी किसके बराबर है, एबीसी के बराबर। सो फ्रॉम इक्वेशन वन टू थ्री, एक बार मैं आपको दोबारा समझाता हूं। देखिए पीबीसीआर, पीबीसीआर का आधा, पीबीसीआर किसके बराबर है, एबीसीडी के बराबर। तो पीबीसीआर का आधा मतलब एबीसीडी का आधा, और एबीसीडी का आधा किसके बराबर है, एबीसी के बराबर। तो यह पीबीसी और एबीसी आपस में बराबर होंगे, यानी कि एरिया ऑफ, हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी। और बच्चों इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए ध्यान से आप, इसका अर्थ बच्चों क्या हुआ, त्रिभुज ए बी सी का एरिया त्रिभुज पी बी सी के एरिया के बराबर हुआ। अर्थात एक ही आधार बी सी पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी बी सी, इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, यही हमें सिद्ध करना था। तो हम लिखेंगे यहां पे अतः सिद्ध हुआ कि एक ही आधार और एक ही
समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। इसका अर्थ है एक ही आधार BC और एक ही समांतर रेखा AR और BC के बीच में दो त्रिभुज थे ABC और PBC, इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको यह प्रमेय 9.2 अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।